Hey guys, this is Kaushif Aslam from Kashi's and welcome back to my YouTube channel once again. In today's video, I'll be talking about Kashi's event on High Coverage Foundation. As you all know, this is my most selling and my most favorite product and I've been using this product since long. आज की इस वीडियो में वो तमाम डिटेल्स, वो तमाम इन्फॉर्मेशन कि किस तरह की स्किन के लिए बेस्ट है, किस तरह के वेदर के लिहाज से ये बेस्ट है, आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे. Keep watching. Now, as you all can see, these are 19 different colors are available in Kashi's event on high coverage foundation. और इसमें आप देख सकते हैं कि darker tone है, इसमें lighter tone है, इसमें cool tone है, warm tone है, इसमें आपको pink tone available है. और साथ साथ जो है आप सबसे ज़्यादा जो important है आपके complexion के हिसाब से, वो तमाम colors जो है इसमें available हैं. As it is आपकी complexion के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे जिस तरह के भी मोस्टली कॉम्प्लेक्शन होते हैं उसी हिसाब से ये तमाम कलर्स मैंने बनवाए हैं. और ये काफ़ी इनफ कलर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक सबसे ज़्यादा बेस्ट और एक इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो आपके पास है, वो इस कलर करेक्टर का है. आप ये देख सकते हैं, ये कलर करेक्टर ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है उन तमाम लोगों के लिए जिनको थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से. अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है उनकी बेस बहुत ज़्यादा मतलब उनकी स्किन टोन के हिसाब से ऑक्सीडाइज होती है और अगर उनको लाइटर करना है, तो ये जो एश वाइट कलर है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है. और मैं ये समझता हूँ ये हर किसी की जो है फाउंडेशन के हिसाब से जो भी कंप्लेन अगर आपको लगती है आपकी फाउंडेशन में अगर ज़रा सी भी डार्क टोन है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है. क्योंकि आपको जितना भी परसेंट आपको अपना कॉम्प्लेक्शन लाइटर करना है तो आप कर सकते हैं. जैसे कि आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं, ये दो कलर्स हैं. तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये बहुत इजी है कि आपको अपने डिज़ायरिंग कलर जो है बहुत इजीली मिल जाता है. जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइटर कलर है और एश वाइट पर है और ये थोड़ा सा डार्कर है और एक वार्म टोन के साथ है. तो आप अपने हिसाब से इसको ऑब्वियसली अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से इस शेड को आप मज़ीद लाइटर कर सकते हैं. जिस तरह से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे तो आपको अपना डिज़ायरिंग कलर मिल जाएगा. साथ साथ मैं इसके जो इस फाउंडेशन के बारे में आपको बताता चलूं कि इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो 10 मेरे हिसाब से बेनिफिट्स हैं, इसकी खासियत है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा. सो फाइनली आई विल बी गोइंग टू टेल यू अबाउट इट्स 10 बेनिफिट्स. क्या इसकी जो 10 इम्पॉर्टेंट खासियत हैं इस फाउंडेशन की. सबसे पहले नंबर 1, इट्स फुल कवरेज फाउंडेशन. जैसे कि ऑलरेडी इट्स मेंशन इवन टू ऑन हाई कवरेज फाउंडेशन. और इसको लगाकर आपको किसी भी किस्म के कलर करेक्टर की, कंसीलर की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती और आपको बहुत ही ईजिली आपको एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्मूथ फिनिश, आपको एक फिनेस लुक और आपको बड़ा एक अच्छा यूनिफॉर्म कॉम्प्लेक्शन मिल जाता है. नंबर 2, इट्स सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन. जैसे कि आपको पता है कि मैट फाउंडेशन जो है ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, लेकिन ये फाउंडेशन जो है बेसिकली अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या इवन कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है. अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और मैट फाउंडेशन लगा कर जो है आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप जो है इसको मज़ीद ग्लोइंग इफ़ेक्ट देने के लिए, ये ग्लास स्किन ब्यूटी ऑयल है जो कि मेरा बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है अगर आपकी स्किन ड्राई है. और इसके अलावा बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें हैं, हाइड्रेटिंग क्रीम है, तो वो अगर आप पहले लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेप हो जाती है, बहुत ही ग्लोइंग हो जाती है और ये फाउंडेशन फिर बहुत अच्छे तरीके से सेटल होती है आपके फेस पर. नंबर 3, इट्स ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन. जैसे कि बहुत सारे लोग जो है बहुत परेशान होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, अक्सर ऐसी ब्राइड्स हैं, ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं डील कर रहा होता हूँ, जिनकी ऑयली स्किन होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी बेस ज़्यादा स्टे नहीं करती, क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाती है बेस और पूरा जो मेकअप है वो बड़ा स्पॉइल हो जाता है. तो ये फाउंडेशन इट्स ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन. और जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी मेरे अपने सैलून पर बहुत ब्राइड्स होती हैं, शूट्स होते हैं और हर तरह की स्किन आती है, तो ये तमाम चीज़ें मेरी अपनी पर्सनल आजमाई हुई है. ये जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है.
नंबर फोर, इट्स नॉन केकिंग फाउंडेशन. आपको पता है कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो इसको लगाकर आपको बहुत ज़्यादा कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको. जैसे कि आपको कोई कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको. तो एक ही फाउंडेशन को आप इसको बहुत ईजिली वन गो में आप इसको लगा सकते हैं और आपको बहुत ही एक अच्छा एक नीट कॉम्प्लेक्शन मिल जाता है. नंबर फाइव है इसका कि ये नॉन एक्नेजेनिक है. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स जो हैं फाउंडेशन में होते हैं. कभी कोई चीप प्रोडक्ट होती है, कोई सस्ती प्रोडक्ट होती है, सस्ती फाउंडेशन होती है, तो उसकी जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट और बहुत ज़्यादा जो है बुरे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाता है. ये सबसे ज़्यादा इस लिहाज से बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है कि आप जो है जिस तरह से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और जिस तरह से ऑब्वियसली कस्टमाइज प्रोडक्ट ये बना हुआ है हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, हमारी स्किन के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा जो है ये हाई ग्रेड कॉस्मेटिक है. तो आप जो है इसको बेफिक्र होकर आप इसको इस फाउंडेशन को लगाएं और आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कि आपके फेस पर एक्नी निकल रहे हैं. नंबर सिक्स, इट्स ह्यूमिडिटी एंड स्वेट रेजिस्टेंट. जैसे कि मोस्टली हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ पर ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग वगैरह होती है, तो उस लिहाज से भी ये फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है. नंबर सेवन, इट्स फ्रेकल एंड पिगमेंटेशन कवरेज. फ्रेकल्स पिगमेंटेशन को जिन लोगों को भी इस चीज़ के प्रॉब्लम है तो उनको बिल्कुल भी वर्ड होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये फाउंडेशन बिल्कुल ही मैजिकल फाउंडेशन है. आपको सिर्फ इस फाउंडेशन की अपने हिसाब से जो है अपने स्किन के हिसाब से आपको लगाना है और ये भी इवन टोन आपके कॉम्प्लेक्शन को कर देती है और बहुत ईजिली आपके फ्रेकल्स आपकी पिगमेंटेशन को हाइड कर देती है और बहुत ही आपका जो फेस है बिल्कुल ही स्पॉटलेस और बिल्कुल ही यूनिफॉर्म कॉम्प्लेक्शन बन जाता है बगैर किसी हैवी कवरेज के. नंबर एट, इट्स सूटेबल फॉर ऑल वेदर. हर तरह के वेदर के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है. बहुत ज़्यादा अगर गर्मियाँ हैं तो ऑब्वियसली ये फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है, विंटर सीजन है, तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छी. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अगेन मैं यही कहूँगा आप इसमें कोई सा भी अच्छा प्राइमर, हाइड्रेटिंग क्रीम आप अपनी स्किन को प्रेप कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, आप ब्यूटी ऑयल लगा सकते हैं, तो उसके बाद जो है किसी भी किस्म के कोई इश्यूज नहीं होते और आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टे करता है, लॉक रहता है. नंबर नाइन, एज यू नो इट्स वाटर प्रूफ फाउंडेशन. और आप जो है वीडियो में देख सकते हैं कि ये ज़रा सा फाउंडेशन लगाने के बाद और ये बिल्कुल ये वाटर प्रूफ फाउंडेशन होता है और साथ साथ जो है इस बात का ये प्रूफ होता है कि आपका जो मेकअप है बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है. और आप इसकी ख़ास बात ये है कि इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से मेकअप आपका ख़राब नहीं हो रहा, तो आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉक नहीं हो रहे और जो है आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज नहीं हो रही. क्योंकि अक्सर जो है कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं कि मतलब इस तरह के फाउंडेशन कभी कभी आपके पोर्स जो है ऑब्वियसली वो आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स और जो इसका टेक्सचर, जो भी इसके मेकिंग है, इंजीनियर्स हैं, वो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखकर इसको बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको बनाया हुआ होता है. नंबर टेन, ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन. ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है. जैसे कि आपको पता है कि मेरे बहुत ज़्यादा शूट होते हैं, ब्राइड्स होती हैं और मेरी टीम जो है वेन्यू पर जाती है, तो बहुत ही लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं ब्राइड्स को शूट करवा कर, या मेरे अपने पर्सनल शूट होते हैं या वेन्यू पर जो है कि मेरी टीम जाती है, साथ साथ जो है घर पर जाती है, तो फाउंडेशन ऑब्वियसली एज इट इज़ वैसा ही होता है. फाउंडेशन ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता. तो ये इसके वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो मैं ये समझता हूँ ये 10 जो इसकी खासियतें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. आई गेस आपको इस वीडियो से पहले इसके बारे में आपको शायद पता ना हो, लेकिन जो लोग इस फाउंडेशन को यूज़ करते हैं अक्सर ये फाउंडेशन मेरा जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं. तो जो इसको यूज़ करते हैं तो उसको ऑब्वियसली इसके बारे में तमाम चीज़ें, इसकी खासियत, इसके बेनिफिट्स, तमाम चीज़ें इसके बारे में उन लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता वो आई एम श्योर इस वीडियो के लिहाज से उनको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी. इस प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं प्राइस वाइज. अगर मैं कहूँ तो ये 2500 की फाउंडेशन है और बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि रीज़नेबल है. रीज़नेबल इस लिहाज से ऑब्वियसली आपको मार्केट में बहुत ही कुछ सस्ते फाउंडेशन भी मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको इस फाउंडेशन को आप उसके साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और जिस तरह से हाई क्वालिटी फाउंडेशन है, हाई ग्रेड कॉस्मेटिक्स है मेरा जितना भी मैं बनाता हूँ, क्योंकि
इस बात का खास ख्याल रखता हूँ कि आप इस फाउंडेशन को आप ओबियसली इंटरनेशनल ब्रांड के साथ आप ज़रूर इसको कंपेयर कर सकते हैं, उनकी प्राइस के साथ इसको कवर इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर उस प्राइस के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको एक बहुत ही बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और अगर आप इसको साथ साथ क्वालिटी के हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आप ओबियसली आप इसको मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको इससे भी इंटरनेशनल ब्रांड है, आप उसके साथ इसको लगा कर इसके रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि किस तरह के इसके रिजल्ट्स हैं, और जो ऑब्वियसली जो बहुत टू मच एक्सपेंसिव फाउंडेशन होते हैं उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरा अपना जो भी मेरा काम होता है तो मेरा एक कनेक्शन है, एक मेरी एसोसिएशन है मेरे तमाम फैंस के साथ, फॉलोअर्स के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ, कि वो मुझ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पसंद करते हैं, हर लिहाज से मेरे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये वीडियोज़, ये तमाम चीज़ें, जैसा कि आपको पता है काशी सलोन में बहुत मेकअप के लिहाज से, स्टाइलिंग के लिहाज से, हेयर एक्सटेंशन के लिहाज से बहुत नई नई चीज़ें आती हैं जिनको देख कर लोग जो पसंद करते हैं जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो तमाम कॉस्मेटिक्स जो इंटरनेशनली आप देख रहे होते हैं आप लोगों को उसी तरह की सेम एज इट इज़ वही चीज़ 100% ऑलमोस्ट, मैं 99% भी नहीं कहूँगा, 100% आपको वही तमाम चीज़ें यहाँ पर रीजनेबल प्राइस में मिलें। सो फाइनली दिस इज़ द एंड रिजल्ट, और आई एम श्योर आपको इस फाउंडेशन के बारे में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट जो है अपने किसी और प्रोडक्ट के लिए मैं आपके लिए स्पेशली रिव्यूज़ अपनी वीडियो दोबारा बनाऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू so much. Allah Hafiz.